राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद पार पडली. देशात ईडीची दहशत असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलंय. देशात लोकशाहीची हत्या होतीये, संसदेत आम्हाला बोलू दिलं जात नाही असं राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलंय. जितकं सत्य बोलेल तितकं माझ्यावर आक्रमण होत राहील, महागाईवर चर्चा करू दिली जात नाही, देश वाचवण्यासाठी लोकांना आवाज उठवावा लागतील असं गेहलोत यांनी नंतर म्हटलंय. देश ने 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है. आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है. इस सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं. हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है. हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है. आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है. तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं. रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है. ठीक है, कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया. आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां. स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही हैं. यूएन आपको कह रहा है कि 5 मिलियन पीपल हैव डाइड, हिंदुस्तान की सरकार कह रही है नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रहे हैं. गुजरात में आप जाएंगे वहां पे मतलब लाशों के ढेर लग गए थे. गंगा में आपने देखा लाखों लोग मरे, मगर नहीं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है ये सच्चाई नहीं है. बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है.